नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूँ आप लोग एक हेल्पफुल वीडियो में। दोस्तों आप लोग देखिएगा, अपने जो एंड्रॉयड फोन होते हैं उसके डायलर में देखिएगा, हम लोग कोई भी फोटो को नहीं लगा सकते हैं, या फिर कॉल लिस्ट के देखिएगा, ये जो कॉल लिस्ट है इसके बैकग्राउंड में देखिएगा, हम लोग कोई भी फोटो को नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, ये जो डायलर है देखने में कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने इस डायलर में कोई भी मनचाहा फोटो को लगा सकते हैं, कॉल लिस्ट के बैकग्राउंड में कोई भी मनचाहा फोटो लगा सकते हैं, और लगा के अपने डायलर को, फोन डायलर को बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा लुक में ला सकते हैं, कोई भी फोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये करना बहुत ही आसान है। आप लोगों को इसको करने के लिए एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉन्टैक्ट्स। ये जो एप्लीकेशन है इसका डाउनलोड लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को देखते हैं, और ये दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अपने डायलर में ऐसे ही कोई भी फोटो लगाना चाहते हैं, अपने कॉल लिस्ट में ऐसे कोई फोटो लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो इसको करने के लिए आप लोगों को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉन्टैक्ट्स। इसका डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद इसको ओपन करेंगे, करने के बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो आपका जो फ़ोन नंबर्स है उसको सब यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको 3 सेकंड का ऐसा कुछ वक्त लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हो जाएगा तो आपका नॉर्मल रहेगा, ठीक है। मैंने जैसे कस्टमाइज़ किया है तो आपका नॉर्मल रहेगा। उसके बाद आप लोग ये जो 3 डॉट है उस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद जो सेटिंग्स है सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। देखिए उसके बाद है पर्सनलाइज्ड सेटिंग, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए आ गया है डायल पैड बैकग्राउंड, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गैलरी पर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी फ़ोटो पसंद है कि मैं इस फ़ोटो को अपने बैकग्राउंड में लगाऊंगा, तो आप लोग उस फ़ोटो को चूज़ कर लेंगे। जैसे देखिए मैं लगा रहा हूँ, मान लीजिए देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस फ़ोटो को लगाऊंगा, तो फ़ोटो पर क्लिक किया, फिर गैलरी किया। उसके बाद आपको जो भी एरिया पसंद है उसको सेट कर लीजिए। करने के बाद ऐसे ओके कर दीजिए, तो ये आपके डायल पैड पर लग गया। उसके बाद दोस्तों कॉल लॉग बैकग्राउंड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गैलरी, फिर दोस्तों गैलरी पर आ गए। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी फ़ोटो पसंद है, जैसे देखिए मैं एक फ़ोटो चूज़ करता हूँ, ये नहीं, देखिए मैं अपना इस फ़ोटो को चूज़ करता हूँ। फिर गैलरी, फिर देखिए जो भी एरिया पसंद है उसको सेट कर लेंगे, फिर ओके कर देंगे, तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए लिखा है कॉन्टैक्ट लिस्ट बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे। फिर गैलरी पर जाएंगे, फिर गैलरी, फिर देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए मैं इस फ़ोटो को लगाता हूँ। देखिए ये जो फ़ोटो है इसका जो भी आपको एरिया पसंद है उस एरिया को आप क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, तो ये हो गया। अब ओके कर देंगे, तो बस हो गया आपका जो भी फ़ोटो आपने सेट किया वो सब आपके डायलर कॉन्टैक्ट लिस्ट सब पर लग गया है। तो बैक कीजिए, जैसे ही इसको ओपन करेंगे देखिए आपके, देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखिए वो जो आपने फ़ोटो लगाया वो यहाँ पर लग गया। फिर देखिए डायलर में देखिए मेरा फ़ोटो, फिर देखिए कॉल लॉग में देखिए मेरा फ़ोटो। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आप लोग अपने कोई भी मन चाहे फ़ोटो को कॉल लिस्ट, डायलर, कॉल लॉग कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों देख लिया आपने, दोस्तों ऐसे ही आप लोग अपने फ़ोन डायलर में कोई भी मन चाहा फ़ोटो को सेट कर सकते हैं, कॉल लिस्ट में भी सेट कर सकते हैं, करके अपने डायलर को गुड लुकिंग और बहुत ही अच्छा लुकिंग में ला सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।